गाजियाबाद से बड़ी हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल यहां एक अस्पताल में भर्ती 6 कोरोना संदिग्धों पर नर्सों ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। जानकारी के अनुसार ये लोग निजामुद्दीन में हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। बता दें कि नर्सों ने आरोप लगाया है कि सभी संदिग्ध बिना पैंट के घूमते हैं, अश्लील गाने सुनते हैं, भद्दे इशारे करते हैं और सिगरेट की मांग करते हैं। ये मामला सामने आने के बाद जिलाधिकारी ने जांच के लिए टीम भेजी, जिसके बाद इनके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। जानकारी के मुताबिक बुधवार को इन सभी संदिग्धों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 6 लोगों में से एक संदिग्ध की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इनके खिलाफ मिली शिकायत के बाद इनमें से 5 को सरकारी अस्पताल में और 1 को मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया। वहीं दूसरी ओर मुंबई में एक ईसाई धर्मगुरु कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसियस ने कोरोना से संक्रमितों की डेड बॉडी को जलाकर अंतिम संस्कार करने की अपील की है। उन्होंने मुंबई के सारे चर्चों के पादरियों से अपील की है कि कोरोना की वजह से मरे लोगों की डेड बॉडी को दफनाने की बजाय जलवाया जाए, मुंबई महानगर पालिका के निर्देशों का पालन करें और ईसाइयों के शवों को जलवाएं। बता दें कि उन्होंने इस बात की जानकारी एक वीडियो के जरिए दी है। साथ ही उन्होंने लोगों को घरों से बाहर न निकलने और बार बार हाथ साफ करने जैसी कई चीजों के बारे में भी जागरूक किया। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।